कंपोस्ट बनाने के समय सर्वप्रथम भूसे को पक्के फर्श पर अथवा किसी साफ स्थान पर लगभग 1 फीट मोटी तह के रूप में फैलाकर 2 दिन तक पानी से अच्छी तरह गीला करें। सब चीज़ मिक्स करने के बाद एक ढेर बनाते हैं। ढेर में बनाने में ये भी ध्यान देना चाहिए कि ढेर का एक साइज होना चाहिए, कम से कम 5 फीट चौड़ा और 5 फीट ऊंचा होना चाहिए। लंबाई आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर 5 क्विंटल बनाते हैं तो छोटा होगा, 10 क्विंटल बनाएंगे तो लंबा ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ऊंचाई और चौड़ाई पर ध्यान देना है। जिस दिन हम ये ढेर बनाते हैं उस दिन को हम 0 डे मानते हैं। अगले दिन से हम काउंटिंग करेंगे और करीब 5 दिन तक उस भूसे जो हमारा ढेर बना हुआ उसको ऐसा छोड़ देते हैं। थोड़ा सा हम पॉलीथीन से, कोई पॉलीथीन मिले तो पॉलीथीन से उसको ढक देते हैं ताकि बाहर का कोई फफूंद या कोई चीज़ उसमें नहीं आवे और थोड़ा गर्मी पैदा हो। इसके अलावा 6ठा दिन जो है सो हम पलटाई शुरू करते हैं। करीब करीब हम टोटल 8 पलटाई करते हैं। पहली पलटाई जो है सो हम 6ठे दिन करते हैं। पहली पलटाई में ध्यान देते हैं कि जैसे बीच का परत है, बीच का परत नीचे डालते हैं पलटाई करते समय, फिर नीचे का परत जो है ऊपर डालते हैं, ऊपर का परत बीच में डालते हैं। दूसरी पलटाई इसी तरह से इसी क्रम में जो है सो 10वें दिन करते हैं, फिर 13वें दिन जो है सो तीसरी पलटाई करते हैं। यदि मात्रा की बात करें तो बीज कंपोस्ट खाद की वजन से 2 से 2.5% ही होनी चाहिए। 100 किलो कंपोस्ट के लिए 2 किलो बीज पर्याप्त होता है। मशरूम की फसल की देखभाल की खास ज़रूरत होती है। कंपोस्ट जब केसिंग करते हैं तो वो जो हमारा केसिंग मटेरियल है उसको करीब 10 दिन पहले, उसमें केसिंग करने से 10 दिन पहले उसको जो है फॉर्मलिन से स्टरलाइज कर लेते हैं ताकि उसमें जो कीड़े फफूंद इत्यादि हो वो मर जाए। उसके बाद हम लोग उसको केसिंग करते हैं। जो आपका जो बैग था, वो बैग 10 किलो का बैग था, उसमें पूरा वाइट जैसा माइसिलियल ग्रोथ हो गया है। अब उसके ऊपर हम मिट्टी का जो है, केसिंग का मतलब हुआ मिट्टी का लेयर जो है उसको हम चढ़ाते हैं उस पर। मिट्टी का लेयर चढ़ाने के बाद जो है आप देखेंगे कि 2-4 दिन के बाद उसमें भी जो है केसिंग मटेरियल में भी वाइट जैसा माइसिलियल ग्रोथ हो जाएगा। करीब 7 दिन ऐसा लगेगा। और जब आप केसिंग मटेरियल डालते हैं उसके ऊपर थोड़ा नमी जो है सो नमी डालते रहना चाहिए, और नहीं हो तो पेपर से उसको ढक देना चाहिए ताकि वो नमी उड़े नहीं। फिर आप देखेंगे कि 7 दिन के बाद पिनहेड जैसा छोटा छोटा मशरूम, बटन मशरूम का छोटा छोटा भाग निकलना शुरू होगा। फिर आप पानी देते रहेंगे, मॉइस्चर मेंटेन करेंगे तो 2-3 दिन के बाद जो है सो आपको बटन मशरूम उसमें निकलना शुरू हो जाएगा। जो पूरे प्रक्रिया था उस प्रक्रिया में अगर आप बात करेंगे तो 10 केजी का जो हम बैग बनाए उस 10 केजी के बैग से आपको करीब 4 बार में है ना, करीब ये पूरे 2 महीना का साइकिल है कंपोस्ट बनाने का छोड़ करके। कंपोस्ट बनाने में 1 महीना लगता है, इधर 2 महीना में आपका फलन होता है। ये फलन 4 बार आप उससे फल ले सकते हैं। टोटल आप काउंट करेंगे तो 10 केजी के बैग से करीब करीब 2 केजी, 1.5 से 2 केजी आपको मशरूम मिलेगा।